हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 दिल्ली से। हाँ जी, नई दिल्ली से मैं कर रहा हूँ एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में मैं पहुँच चुका हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:49, मोस्टली 8 बज चुके हैं सुबह के। तारीख हैं 2 जून। तो गाइज़, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। घर से निकल गया था 6:30 बजे और यहाँ पे टाइम पे पहुँच गया हूँ। रास्ते में बीच में भी रुक गया था ब्रेकफास्ट के लिए, भूख सी लग रही थी तो चाय और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ राइडर्स लोगों का। राइडर्स लोगों की कॉल आ चुकी है, उनका फ्लाइट जो है लैंड कर चुका है। तो 10-15 मिनट में हो सकता है कि वो गेट से बाहर निकल जाए, तो उनको जाके पिक करेंगे और पिक करके हम निकल जाएंगे हिमाचल के लिए। जी हाँ, आज हम फिर से निकल रहे हैं शिमला मनाली के लिए, शिमला मनाली कसौल। ये सारा ट्रिप हम कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग बने रहें वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, स्किप बिल्कुल ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नए लोकेशन पर। ठीक है, तो जा कर के राइडर्स लोगों को पिकअप करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सीधे आधे रास्ते पे। आधे रास्ते मीन्स हम पहुँचेंगे मुरथल, और मुरथल में रुकेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के। राइडर्स लोगों को भूख वगैरह लगी होगी तो वहाँ पे रुकेंगे, और वैसे भी वहाँ पे रुकेंगे 10-15 मिनट के लिए रुकेंगे। और राइडर्स लोग अगर ब्रेकफास्ट नहीं भी करते तब भी हम वहाँ पर 10-15 मिनट के रुकेंगे। वहाँ पर रुक करके फिर हम आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो बने रहें वीडियो में, ठीक है गाइस, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें गाइस, ठीक है। और ये बाहर की पार्किंग है, आज पार्किंग पूरी खाली पड़ी हुई है यहाँ की। गाइस, मैं राइडर्स लोगों को पिकअप करने के लिए पार्किंग से आ चुका हूँ। पार्किंग प्लेस ये है, अपना देख सकते हैं कार पार्किंग, मल्टीपल कार पार्किंग। अभी मैं निकल रहा हूँ राइडर्स लोगों को पिक करने के लिए। सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, उधर क्रॉस करके, रोड क्रॉस करके जाना है, वहाँ पे राइडर्स लोगों को पिक करेंगे ये गाइस। और ये सामने एयरपोर्ट है जहाँ से यात्री लोग सारे बाहर निकलते हैं। तो चलते हैं और करते हैं राइडर्स लोगों को पिकअप, और पिकअप करने के बाद निकल जाएंगे सीधे शिमला के लिए, ठीक है। शिमला में कहाँ पर रुकेंगे, कितने दिन के लिए रुकेंगे, कितने राइडर्स हैं, कहाँ से राइडर्स लोग आए हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी ब्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगा। तो आप बने रहें। और यहाँ पर कुछ इस तरह से काली पीली टैक्सी खड़ी आती हैं, तो ये टैक्सियाँ जो है गाइस ये जाती हैं आपकी एयरपोर्ट की टैक्सी है, जो कि यहीं से प्रीपेड बुकिंग पे जाती है। और सामने आप देख सकते हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बूथ है, यहाँ पर प्रीपेड टैक्सी सर्विस का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से आप टैक्सी वगैरह ले सकते हैं अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, तो ईजिली आप यहाँ से कैरी करके आप निकल सकते हैं। और सामने अपना मेनू कैप वगैरह यहाँ पर है, आप देख सकते हैं सामने एयरपोर्ट। चलो पिक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। गाइस, अभी हम रुके हुए हैं आज़ादपुर बाईपास पे, और सामने आप देख सकते हैं ये है दिल्ली का पहाड़, कूड़े का ढेर, जो कि आप जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी पूरे में आपको कूड़े का ढेर नज़र आएगा। इधर देखो, इधर देखो, पूरा कूड़े का ढेर है। और ये अपना करनाल बाईपास है, और अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पर क्योंकि राइडर्स लोग जो मैं उनके भैया यहाँ पर मिलने आए हैं, वो रहते हैं रोहिणी में, तो यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए हैं। और सामने देख सकते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है, सामने आज़ादपुर बाईपास है अपना। और अभी यहाँ से निकल रहे हैं अपना करनाल बाईपास का भी हम हैं, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा कूड़े का ढेर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये है दिल्ली का कूड़े का ढेर, जिसमें पूरी राजनीति इस बार हुई थी अक्षय कुमार के लिए। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से शिमला के लिए, और मिलेंगे मुरथल में खाना खाने के लिए। ये गाइस, तो चलिए चलते हैं मुरथल पर, मिलते हैं आपसे सीधे जाकर के, तब तक आप वीडियो में बने रहें। फाइनली अभी हम पहुंचे हुए हैं मुरथल पे। मुरथल पे आज हम रुके हुए हैं गरम धरम ढाबे पे, जो कि अपने धर्मेंद्र पाजी का ढाबा है। तो वहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं, और राइडर्स लोगों को मैंने यहाँ के बारे में बताया था, उन्होंने बोला कि यहीं पे खाना खाते हैं, और अमृत सुखदेव पे फिर कभी देख लेंगे। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है बाहर का। बाहर जो आपको हाईवे दिख रहा है ये है करनाल बाईपास दिल्ली वाला, और इसीलिए रास्ता निकल जाता है अपना चंडीगढ़ के लिए। कुछ इस तरह की यहाँ पर पार्किंग काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर भीड़ हमेशा कम रहती है, और रीज़न क्या है मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे क्यों नहीं आ जाते हैं। और सामने आपका अमृत सुखदेव रेस्टोरेंट है, और सामने आपका गरम धरम का ढाबा, जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे अभी कुछ गाड़ियाँ पार्क इस तरह से हैं, और यहाँ पे दुकान वगैरह भी काफ़ी कम है। और होता है कि जब आप एक किसी ब्रांड के सामने साथ में अगर आप अपना रेस्टोरेंट वगैरह खोलते हैं तो थोड़ा सा चलना टफ हो जाता है। तो रीज़न यही है, मैं जहाँ तक मेरे को अपना लगता है, क्योंकि साथ में अमृत सुखदेव है जो कि काफ़ी फेमस और काफ़ी नाम है उसका, ब्रांड है, और उसके सामने में गरम धर्म ढाबा
खुला हुआ है, तो देखते हैं राइडर्स लोगों को यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। वेजिटेबल पूरा मिलता है यहाँ पे, वेजिटेरियन है, कैसा खाना रहता है वो सब कुछ देखते हैं, उसके बाद ही फिर हम आप लोगों को अपडेट करेंगे कि यहाँ का खाना कैसा है। हमें तो सब जगह खाना अच्छा ही लगता है, तो चलते हैं अंदर और करते हैं ब्रेकफास्ट लंच और फिर निकलते हैं सीधे शिमला के लिए। ठीक है भाई, लेट नहीं करते हुए हम निकलते हैं यहाँ से सीधे, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करते हैं फिर अपना निकल जाते हैं सीधे शिमला के लिए। ठीक है भाई, तो चलिए चलते हैं। गाइस, कालका परमाणु से निकलने के बाद अभी हम पहुंचे हुए हैं आई लव हिमाचल का जो यहाँ पे छोटा सा एक गार्डन बना रखा है वहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं। तो ये चेक करें, ये सामने जो पूरा आप देख रहे हैं ये पूरा गार्डन बना रखा है, और ये गार्डन तब बनाया गया जब ये हाईवे बना था, उसके बाद ये जितना भी यहाँ का डंपिंग जो भी था, मिट्टी वगैरह था, मलबा वगैरह था, उससे कुछ इस तरह से यहाँ पे अपना गार्डन बना दिया ताकि लोग आगे यहाँ पे अपनी सेल्फी वगैरह फोटो क्लिक कर सकें। और यहाँ पे बोर्ड आप देख सकते हैं आई लव हिमाचल का, है ना, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनाई जाती हैं, सेल्फी ली जाती हैं। और सामने का व्यू आपको दिखाऊं तो पहाड़ों में कुछ इस टाइप का नज़ारा है, आसमान में काफ़ी घने बादल यहाँ पे लगे हुए हैं। और मैं फिलहाल रुका हुआ यहाँ पे कुलचे लेने, कुलचे खा रहा हूँ, थोड़ा सा भूख से लग रही थी, मैंने क्यों ना कुलचे वगैरह खा लें। और राइडर्स लोग गए हुए हैं अपनी वहाँ पर फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए, जैसे ही वो लोग आ जाते हैं फिर हम निकल जाएंगे सीधे शिमला के लिए। जहाँ जहाँ पर हम रुकेंगे, जो जो सी खूबसूरती और अच्छा व्यू आएगा वहाँ पे आप लोगों को ज़रूर हम दिखाएंगे, तो आप बने रहें। ठीक है गाइस, हम गाड़ी अपनी पीछे खड़ी है इस तरफ, हम देखना चाहें तो सामने अपनी गाड़ी खड़ी है, और हम कर रहे हैं राइडर्स लोगों का वेट। राइडर्स लोग आ जाते हैं तो फिर निकल जाते हैं यहाँ से सीधे शिमला के लिए। ये गाइस, तो बने रहें वीडियो में। शिमला पहुँचने से पहले ही ज़बरदस्त बारिश यहाँ पर, और आप देख सकते हैं बारिश चल रही है, सामने सामने पहाड़ जो है हाइट दे रहे हैं, पूरा अंधेरा हो चुका है, नहीं हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम मतलब 15-20 मिनट और बैठेगा। ठीक है, तो मौसम को देख करके एक गाना याद आता है कि मेरा पीछा कब छोड़ोगे, अगर तो गाना ऐसे कुछ है एक गाना, मेरा पीछा का मैं छोड़ूंगा शाम को। बारिश ने काफ़ी भाई बचा दी है, यहाँ भी जाओ, उत्तराखंड जाओ या हिमाचल जाओ, बारिश ही बारिश, मज़ा आ रहा है बारिश। और इस तरह का मौसम हमेशा पहाड़ों में देखने को मिलता है, चाहे आप उत्तराखंड के पहाड़ों में जाइए, चाहे हिमाचल के पहाड़ों में जाइए, आप बाहर के फसल में बारिश धूप भी निकल रही है और बारिश है, 5.5 घंटा हो चुका है, बारिश लगी हुई है और धूप भी इतना से धूप भी निकली हुई है, आप देख सकते हैं कि अंधेरा बाद ज़्यादा हो चुका है, धूप काफ़ी तेज निकली हुई है। तो देखते हैं बारिश कहाँ तक मिलती है, शिमला होटल पहुँच से पहले बारिश नहीं होती है या फिर बारिश नहीं होती, इसी तरह से जाना। गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ शिमला फाइनली, और हम रुके हुए हैं शिमला, छोटा शिमला में रुके हुए हैं, और राइडर्स लोग हमारे रुके हुए हैं नीचे किस तरफ, मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड आ गया अच्छा है। पीछे रोड पर गाड़ी खड़ी हो रही थी और बारिश काफ़ी टाइम से लगी हुई है, और आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरह का बाहर का व्यू देखने को मिलता है। इस टाइम पे अंधेरा हो गया है, अभी टाइम हो रहा है गाइस 7:30, 7:25, और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है फिलहाल, और होटल हमारा नीचे वाले रोड पर है और राइडर्स लोग नीचे रुके हुए हैं। तो गाइस, तो आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही है, वीडियो आज का इतना ही है, तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आएंगे, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जितने भी लोग नए जुड़ चुके हैं तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, बाय बाय।